हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीचएम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो एग्जाम पेपर लेके आए हैं 24 अगस्त, यानी कि आज जो एग्जाम हुआ पहली शिफ्ट के अंदर, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही हमने जो एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, उस मॉडल पेपर को आप जरूर देखिए, उसके दो पार्टों में किए थे वो। उसके अलावा हमने दो चार वीडियो और भी अपलोड की थी, उसके बाद आप उनको भी देखिए, क्योंकि उनमें से हर एग्जाम के अंदर आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको अगर उस वीडियो को देखोगे तो वो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह प्रदीप्ति की इकाई पूछा गया, तो प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स। और लक्स अगर देखा जाए तो यहाँ ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। एक क्वेश्चन आया था कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम पूछा था, ये रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस होता है या क्या होता है? चालकता होती है। तो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा? कंडक्टेंस। एक था कि बैटरी में जो अपेक्षित घनत्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व है वो बैटरी की चार्जिंग स्थिति जो होता है उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो यहां चार्जिंग स्थिति क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा। अगला था कि आरएमएस और औसत मान, इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो आपने अगर वो वीडियो हमारी देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो आरएमएस ऊपर है, नीचे क्या औसत मान है? तो ये होता है फोरम फैक्टर, या हिंदी में इसको बोला जाता है रूप गुणक या आकृति गुणक। तो फोरम फैक्टर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अस्थाई वायरिंग जो है उसका प्रकार कौन सा है? तो इसमें आपको क्लीट, कंसील्ड, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो क्लीट वायरिंग जो होती है या जो फ्लेक्सिबल वायरिंग जो होती है तो दीवारों के ऊपर की जाती है, वो जो होता है वो अस्थाई वायरिंग का प्रकार है। ये आपका कल वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन जो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करती? अगर ये वीडियो भी हमारा देखा है तो आपने उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो जो वेव वाइंडिंग जो होती है उसमें जो समांतर पथों की संख्या जो होती है वो पोलों पर निर्भर नहीं करती। एक क्वेश्चन था कि एक चार पोल सिंप्लेक्स, यहां सिंप्लेक्स दिया गया था कि लेप वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो सिंप्लेक्स है तो चार पोल होंगे तो उसमें समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी? चार। अगर ये डुप्लेक्स होता या ट्रिप्लेक्स होता या क्वाड्रेक्स होता, तो ट्रिप्लेक्स होगा, डुप्लेक्स होगा तो इसका डबल कर देंगे, ट्रिप्लेक्स होता तो तीन गुना और क्वाड्रेक्स होता तो चार गुना कर देते हैं। एक क्वेश्चन था कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो देखो डीसी जनित्र जो होता है, डीसी जनित्र में इसका अलग कार्य होता है और डीसी मोटर में इसका अलग कार्य होता है। तो डीसी मशीन जो जनरेटर जो होता है उसमें आर्मेचर में एसी बनती है तो उसको बाहरी सर्किट में क्या करता है? उसको डीसी में चेंज करता है। और डीसी मोटर जो होती है उसको डीसी देते हैं तो आर्मेचर में कौन सी सप्लाई भेजता है? एसी। तो इसका जो राइट आंसर था वो एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों में चेंज करता है। एक क्वेश्चन था कि विद्युतीय आग किस श्रेणी की आग जो होती है? तो ये आग के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं तो आप इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ें। तो पहला ही पहला चैप्टर ये आपके सिलेबस का, साथ ही जो विद्युतीय जो आग होती है ये डी श्रेणी की जो होती है उस आग में शामिल किया गया। एक प्रश्न था कि ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, तो यहाँ इसके ऑप्शन कन्फर्म नहीं है तो भाग नहीं हो सकता, तो आपको उसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो इसकी स्ट्रक्चर के अलावा जो तीसरा भाग जो होगा या जो अलग ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती? इसमें आपको उपकरण दिए गए थे, जैसे आपको फ्रिज दे दिया, एसी दे दी, इस प्रकार से चार पांच ऑप्शन थे। तो आप उनमें से देख लेना कि जो लो वाट की युक्ति जो होगी उसमें अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसने भी वो वहां चार पांच ऑप्शन थे उसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन के सप्लाई टर्मिनल अगर बदल दिए जाए तो गति पर क्या होगा? तो जैसे ये डीसी मोटर अपने पास, आपने काम किया कि इसके सप्लाई टर्मिनल, जैसे यहां पहले प्लस दे रहे थे यहां माइनस था, आपने इसके टर्मिनलों को चेंज कर दिया। जैसे टर्मिनलों को चेंज करोगे तो इसकी गति या इसकी घूर्णन दिशा जो होगी उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर जो है इन दोनों में क्या है, जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों एक साथ चेंज होती है। अगला क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर में नमी सोखने का कार्य कौन करता है? तो सिलिका जेली जो होती है वो नमी सोखने का कार्य करती है। अगर यही क्वेश्चन होता कि नमी को अलग करने का कार्य कौन करता है, तो अलग करने का कार्य करता है ब्रीदर करता है। एक ऑप्शन आया था, क्वेश्चन था जिसमें आपको नो लोड पर वोल्टेज दे रखी थी, एक लोड पर वोल्टेज दे रखी थी और वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया था, अल्टरनेटर का ऐसा क्वेश्चन था। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको निकालना है तो नो लोड पर
फुल लोड पर वोल्टेज का अंतर अपॉन में फुल लोड इंटू क्या करोगे 100 से मल्टीपल करोगे तो आपका राइट आंसर यहां से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन था कि डेल्टा संयोजन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसके ऑप्शन इस प्रकार से थे, जो ट्रांसमिशन होता है उसकी प्राइमरी में, सेकेंडरी में, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो मैं आपको यहाँ कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। क्या होता है, एक तो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राथमिक संचरण होता है, एक होता है अपने पास सेकेंडरी संचरण या द्वितीयक संचरण, इसी के साथ एक होता है प्राथमिक वितरण और एक होता है सेकेंडरी वितरण। तो यहां मैं इनके आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बताऊंगा कि कौन कौन से में कनेक्शन होते हैं, किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो जो प्राथमिक ट्रांसमिशन किया जाता है, जो उत्पादन के अंदर से जीएसएस तक किया जाता है, उसमें जो प्राइमरी के जो कनेक्शन होते हैं डेल्टा में और सेकेंडरी के क्या होते हैं स्टार में। सेकेंडरी संचरण जो होता है वो जीएसएस टू वितरण स्टेशन या किसी दूसरे जीएसएस तक किया जाता है, तो यहाँ डेल्टा सॉरी स्टार स्टार में होते हैं। प्राथमिक वितरण जो किया जाता है वो डेल्टा स्टार टू डेल्टा में होता है, और जो सेकेंडरी वितरण किया जाता है जो गलियों में आप ट्रांसफार्मर देखते हो उसके इस प्रकार से किया जाता है। तो प्राथमिक जो ट्रांसमिशन होगा उसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा में होगी, प्राथमिक वितरण जो होगा उसमें सेकेंडरी इसकी क्या होगी डेल्टा में होगी, और सेकेंडरी जो वितरण होगा उसकी क्या होगी प्राथमिक जो होगी वो क्या होगी डेल्टा में होगी। तो इस तरीके से आप चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए थे, इसमें एक एयर बैग ऐसे भी ऑप्शन था, तो आप उनमें से देख लेना कि कौन सा आंसर आपका सही किया आपने। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन सेल जो होता है, एडिसन अपने पास दो सेल होते हैं, एक तो होता है निकल आयरन और इनको क्षारीय सेल भी कहा जाता है, सेकेंडरी क्षारीय सेल कहते हैं, निकल कैडमियम। इनके अंदर आपसे पूछा गया था कि अपघटक या इलेक्ट्रोलाइट जो अपने इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, तो इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट अपने इस्तेमाल करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का क्या करते हैं मिश्रण इस्तेमाल करते हैं, साथ में आसुत जल भी होता है। अगला एक क्वेश्चन था कि एक डेल्टा संयोजित आर्मेचर घूर्णन अल्टरनेटर में स्लिप रिंग कितने होंगे। देखो अगर आपको आर्मेचर घुमा रहा है डेल्टा में कनेक्ट है, तो डेल्टा में अपने को पता है यहां से तारे कितने निकलेगी तीन, तो स्लिप रिंगों की संख्या भी कितनी हो जाएगी तीन। अगर यही आपको स्टार में दिया होता तो यहां एक न्यूट्रल भी मिलता है, तो टोटल स्लिप रिंग कितनी होती चार। अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाता है कि फील्ड घूम रही है, तो फील्ड घूम रही है तो फील्ड को कौन सी सप्लाई देते हो डीसी, तो वहां फील्ड के अंदर स्लिप रिंगों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दो होगी। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पर्सन घुमा के फिर दे सकते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि आर्मेचर तो डेल्टा में संयोजित और फील्ड घूम रही है, तो फील्ड घूम रही है तो वहां आपको दो ही आंसर करना है। तो इनमें से जो भी आपका क्वेश्चन में वो डेल्टा में है दिया है या स्टार में दिया है किस तरीके से दिया है, तो उसके ऑप्शन इसी तरीके से होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर बायस में डायोड का रेजिस्टेंस पूछा गया, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है एनोड तो होता है उसको पॉजिटिव से जोड़ा जाता है कैथोड को नेगेटिव से, तो धारा का चालन करेगा रेजिस्टेंस क्या होगा इसका लो होगा, जो राइट आंसर क्या होगा निम्न रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसके अंदर प्रतिरोधों के ऊपर क्या कलर कोड दिए गए थे और आपसे क्या पूछा था मान पूछा था, तो बीबी रोएगा जो आपको याद होगा, तो वहां से आप इनको निकाल सकते हो, इस तरीके से हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन के अंदर डीसी सीरीज या डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल पूछा गया था, तो मैं यहां आपको बता देता हूं, जो डीसी शंट मोटर जो होती है या डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है उनमें स्पीड कंट्रोल की जो विधियां जो है उनमें स्पीड कंट्रोल की दो विधियां, एक तो है फील्ड दूसरा है आर्मेचर। तो ये शंट मोटर या कंपाउंड मोटर जो है ना उनके अंदर ये विधि इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से अगर सीरीज की पूछ रहा है आपसे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है कि कोई शंट बोलता रहा है और कोई सीरीज बता रहा है, तो मैं आपको दोनों विधियां बता देता हूं। सीरीज के अंदर ये दो विधियां तो है, एक तो कौन सा है फील्ड डाइवर्टर विधि होती है, दूसरा कौन सा होता है आर्मेचर डाइवर्टर, तीसरा इसमें क्या होता है सीरीज पैरलर या सीरीज समांतर विधि भी क्या होती है इसमें इस्तेमाल की जाती है, एक इसमें सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, एक इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है फील्ड टैपिंग मेथड, तो फील्ड जो होती है उस पर टैपिंग निकाली जाती है। तो इस तरीके से इनके मेथड थे, शायद उसका जो ऑप्शन था वो उपरोक्त सभी था, तो आप देख लेना कि आपका क्या क्वेश्चन आया था इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाट मीटर जो होता है वो केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, तो वाट मीटर जो होता है एक इंडक्शन टाइप होता है जो केवल किस पर काम करता है एसी पर, एक जो होता है अपने पास वो होता है डायनमो टाइप जो दोनों पर कार्य करता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत वो भी किस पर कार्य करता है दोनों पर कार्य करता है। तो यहाँ इंडक्शन पर ओनली कौन सा कार्य करता है केवल इंडक्शन टाइप जो होता है केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हो रजिस्टर बोलते हो या प्रतिरोधक बोलते हो।
अगला क्वेश्चन है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हो, रजिस्टर बोलते हो या प्रतिरोधक बोलते हो। अगर यहाँ एसी धारा बोला जाता, ओनली एसी धारा, तो उसका होता इंडक्टर। ओनली एसी धारा कौन करता है, इंडक्टर करता है, और ओनली डीसी धारा कौन करता है, कैपेसिटर करता है। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखोगे, ओनली डीसी। अगर एसी डीसी दोनों का पूछ रहा है या सीधा पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक आवृत्ति कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो ये आप सभी को भी पता है, ये कल वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो यहाँ 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। अगला, अधिक वोल्टता के लिए सेलों को किस प्रकार जोड़ोगे, तो वोल्टेज अधिक लेनी है तो अपने काम क्या करते हैं, उनको श्रेणी में जोड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता वोल्टताज या धारा अधिक लेनी है तो उनको किस तरीके से जोड़ोगे, समांतर क्रम के अंदर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि लेप वाइंडिंग जो होती है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, और अधिक समांतर पथ क्या होंगे, तो अधिक समांतर पथ होंगे तो आपको धारा अधिक मिलेगी, और ज़्यादा क्या, ज़्यादा धारा मिलेगी, वोल्टता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर यही वेव वाइंडिंग के लिए पूछा जाता, वेव वाइंडिंग के लिए पूछा जाता, तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो वो किस लिए होता, ज़्यादा तो क्या होता, वोल्टता के लिए, और धारा क्या देता है, वो कम देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन था कि जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है इसका तार पूछा गया था कि किस चीज़ का बना होता है, तो हीटिंग एलिमेंट जो प्रेस, गीजर, हीटर ओवन जो होता है उनमें नाइक्रोम का होता है। अगर यही आपसे पूछा जाता है कि प्रकाशीय तंतु किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन इसका राइट आंसर होता है। एक क्वेश्चन था जिसमें पोलों की संख्या दे रखी थी आपको, सिंक्रोनस गति दे रखी थी, और फ्रिक्वेंसी पूछा गया था, तो फ्रिक्वेंसी बेस पर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, पीएन अपॉन में क्या होता है, 120 होता है। तो यहाँ पोलों की संख्या और स्पीड जो होता है उसको आप रख सकते हो, और यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन था कि 90 डिग्री ताप जो होता है वो किस अचालक श्रेणी का है, तो इसमें आपको मैं अचालक श्रेणियाँ बता देता हूँ, आपको याद भी हो सकती है। तो देखो इस तरीके से इसमें अचालक श्रेणियाँ जो होती है वो YE, YAE, BF, HC, तो ये 90 डिग्री, ये 105, ये 120, और बी का जो होगा वो 130 होगा, यहाँ इसका होगा 155, और यहाँ इसका 180, और जो सी जो होता है इसमें तीन श्रेणियाँ होती है जिसमें 200, 220 और 250 डिग्री, इस तरीके से क्या होता है, इनमें क्या श्रेणियाँ शामिल की गई है। तो यहाँ जो 90 डिग्री जो टेम्परेचर पूछा है वो किस श्रेणी का मिलेगा अपने को, वाई जो श्रेणी होगी इसका आंसर होगा ये। तो टीजर और मेन ट्रांसफार्मर, ये कल वाले क्वेश्चनों में भी प्रश्न आया था, पेपर में आया था, तो टीजर ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या और मेन ट्रांसफार्मर में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3/2 होगा। अगर उल्टा पूछा जाता, पहले मुख्य होता बाद में टीजर, तो इसको भी आप क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष पूछा गया था, तो राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, कल वाले एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है, तो पिंक नगर जो है या पिंक सिटी जो है वो क्या है, वो कौन सा होता है, वो होता है अपना जयपुर, या जयपुर जो है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो है ना 3/2, इसका मान कितना होता है, 1.732, या इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0.86, और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 86% आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दिया हो। ब्लू सिटी, देखो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहते हैं। फिर ये जो दो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कल वाले एग्जाम में आए थे, तो ग्रीन सिटी जो होता है वो राजस्थान में बांसवाड़ा को कहा जाता है। और इसके अलावा जो राजस्थान की पहली स्मार्ट सिटी पूछी गई थी, ये थर्ड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन दोनों, तो वो जयपुर जो है, राजस्थान का जो स्मार्ट सिटी पहला कौन सा था, जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि फीफा 2018 का विजेता कौन सा है, तो फीफा 2018 जो था वो फ्रांस ने जीता था, हुआ कहाँ था, रूस में हुआ था, और हराया किसको था, क्रोएशिया को हराया था। ये जो है ये क्वेश्चन भी हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर आप देखने को मिल सकते हैं। तो जीता किसने था, फ्रांस ने, और स्थान पूछ लेता तो वह कहाँ स्थान हुआ था, रूस के अंदर, जो जगह पूछ लेता तो रूस में, और फ्रांस ने किसको हराया था, क्रोएशिया को हराया था। तो इस तरीके से याद रखना। एक क्वेश्चन था कि फ्लक्स की यूनिट पूछी गई थी, तो फ्लक्स की यूनिट कौन सी होती है, वेबर होती है, या इसकी जो सीजीएस इकाई क्या होती है, मैक्सवेल होती है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप जितने भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।